वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबू बकर और आप देख रहे हैं राव टीवी 206 राव यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो है हमारे प्ले स्टोर पर हम अपने जो ऐप हैं, हमारे मोबाइल के ऐप हैं, इनको अपडेट कैसे करते हैं और कौन सा ऐप ज़्यादा एमबी का है, कौन सा ऐप कौन सी एमबी का है, कितने एमबी का है, ये सारी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हमने ना प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, यानी कि हमारा जो प्ले स्टोर है जो कि आपके मोबाइल में इस वीडियो के लिए जो ये आप काम करना चाहते हैं, अगर अपने ऐप को अपडेट करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं आपके पास इंटरनेट कनेक्शन यानी कि आपका पैकेज वगैरह या फिर वाईफाई यानी कि आपके पास होनी ज़रूरी है। सबसे पहले आपने ये ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने ये जो 3 लाइन्स आपको दिख रही हैं, आपको ये जो हैं ये थ्री लाइन्स आपने इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, ये इतने सारे जो हैं ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। इसमें आपने सबसे पहले तो है माई ऐप्स एंड गेम्स, यहाँ पर ये आपको ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, लेबॉरेटरी, ये इंस्टॉल और अपडेट्स। आपने यहाँ से अगर आपने जो पहले इंस्टॉल कर रखे हैं जो ऐप, वो अगर ओवर आपने अब आपके मोबाइल में नहीं है वो यहाँ पर आ जाएंगे सारे ऐप। और यहाँ पर इंस्टॉल्ड जो आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल्ड हैं वो ऐप सारे यहाँ पर हैं। और जो अपडेट आपने करने हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, ये जो अपडेट करने हैं अपने सारे ऐप, ये सारे ऐप यहाँ पर शो हो जाते हैं। अपने जोन से भी ऐप जो सा ऐप भी आपने है आपने अपडेट करना हो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। और आपने अगर सारे अपडेट करने हो तो यहाँ से सारे ऐप भी अपडेट हो सकते हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे ऐप हैं अपडेट होना शुरू हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे किसी को कट करना चाहते हैं तो ऐसे कट कर सकते हैं, वो अपडेट नहीं होगा और वो सबसे नीचे चला जाएगा ऐसे। इस तरह आपने जो है सारे ऐप्स को अपडेट करना है। और इसी तरह से ना अपने अब जो जिस चीज़ को आप अपडेट नहीं करना चाहते या कोई है, मैंने ये सारे ऐप अपडेट कर रखे हैं तो इसलिए मैं इन ऐप को